नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, राहुल गांधी का बड़ा बंगला, खूब पावर। लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी के लिए सब कुछ बदल जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव से एक दिन पहले राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने का फैसला किया। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल को बड़ा बंगला, अधिक शक्तियों के साथ साथ कई अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। विपक्ष के नेता के तौर पर गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। इससे प्रोटोकॉल सूची में उनका स्थान भी बढ़ जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी को अब बड़ा बंगला मिलेगा। इसके अलावा राहुल गांधी की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। प्रतिपक्ष के लिए राहुल शैडो पीएम कहलाएंगे। राहुल गांधी इस बार उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। इससे पहले वे लोकसभा में केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के अमेठी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 5वीं बार लोकसभा पहुंचे हैं। निचले सदन में 10 साल के अंतराल के बाद किसी नेता को आधिकारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया गया। 16वीं और 17वीं लोकसभा में कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के पास सीट पद के लिए 10% सदस्य नहीं थे। कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीती है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी लोकसभा में पहली पंक्ति में सीट मिलेगी। यह सीट डिप्टी स्पीकर की सीट के बगल वाली होगी। इसके अलावा संसद भवन में संसदीय सचिव और अन्य सुविधाओं से युक्त एक कमरा भी मिलेगा। विपक्ष के नेता को औपचारिक अवसरों पर कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त होंगे। इसमें निर्वाचित अध्यक्ष को आसन तक ले जाना और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के समय अग्रिम पंक्ति में स्थान मिलना शामिल है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार से जुड़े चयन के अलावा लोकपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई निदेशक जैसी प्रमुख नियुक्ति और महत्वपूर्ण पैनल के सदस्य भी होंगे। प्रधानमंत्री इन पैनल के प्रमुख होते हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में विपक्ष के नेता की प्रमुख भूमिकाओं में एक सरकार की नीतियों पर प्रभावी सवाल उठाना। विपक्ष के नेता की भूमिका वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि उसे सरकार की विधायिका और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करनी होती है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें सरकारी प्रस्तावों और नीतियों के विकल्प प्रस्तुत करने होते हैं। विपक्ष का नेता शैडो प्रधानमंत्री होता है। उसके पास एक शैडो मंत्रिमंडल होता है जो चुनाव में अपनी पार्टी के बहुमत प्राप्त करने या वर्तमान सरकार के त्यागपत्र देने या पराजित होने की स्थिति में सरकार बनाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहता है। एक सरकारी दस्तावेज में कहा गया है कि इसके लिए विपक्ष के नेता को अपने शब्दों और कार्यों को सावधानी पूर्वक मापना चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय हित के मामले में उतनी ही जिम्मेदारी के साथ कार्य करता रहना चाहिए जितनी प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 3 में निर्दिष्ट वेतन और अन्य सुविधाएं और भत्ते प्राप्त करने के अलावा एक सांसद के रूप में राहुल गांधी उसी स्थिति और वेतन मान में सचिव की सहायता के हकदार होंगे। एक कैबिनेट मंत्री की तरह निजी स्टाफ भी उनके पास होगा। गांधी एक निजी सचिव, 2 अतिरिक्त निजी सचिव, 2 सहायक निजी सचिव, 2 निजी सहायक, 1 हिंदी स्टेनो, 1 क्लर्क, 1 सफाई कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी के 4 कर्मचारी भी हकदार होंगे।